सोनभद्र में पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम को सफलता मिली है। पुलिस ने एक अंतरजनपदीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बताने चले कि एक डीसीएम ट्रक में लोड 300 पेटी में 2700 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि शराब की कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। वहीं इस मामले में एएसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने खुलासा कर जानकारी दी है। बताया है कि अवैध अंग्रेजी शराब पंजाब से छत्तीसगढ़ के बलरामपुर और मध्य प्रदेश में बिक्री के लिए ले जा रहे थे। वहीं पूरा मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र मारकुंडी घाटी के बीर लोडिक का है। जनपद में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रॉबर्ट्सगंज पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता मिली। इसके क्रम में कल रात में ये मारकुंडी के पास लोरिक पत्थर के पास से एक डीसीएम जो हरियाणा के नंबर की है उसको पकड़ा गया और उसकी तलाशी ली गई, तो उसमें 300 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए के आसपास, 30 लाख रुपए के आसपास की है। और इसमें जो ड्राइवर है इसको पकड़ा गया है मैबिलिटी के, और उसके खिलाफ 419 बी 67 68 आबकारी अधिनियम सबका मुकदमा कायम।